नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार के द्वारा गाजीपुर के स्वामी सहजानंद PG कॉलेज में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत और विशिष्ट अतिथि स्थानीय सांसद मनोज सिन्हा रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा ADIP एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए गए। बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से 3,079 दिव्यांगजन व वयोवृद्धों में उपकरण वितरण किए गए। बांटे जाने वाले उपकरण की कुल लागत 2,60,00,000 है। बांटे गए उपकरणों में एक मोटरसाइकिल की लागत 37,000 आती है, जिस पर 25,000 सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। शेष 12,000 सांसद निधि, विधायक निधि या किसी संस्था के द्वारा जमा कराकर बांटी जाती है। इस मोटरसाइकिल के लिए सांसद मनोज सिन्हा ने अपने सांसद निधि से 7,50,000 रुपये विभाग को दिए। कैंप में 1,100 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व बैसाखी दी गई। 250 दिव्यांगों को व्हील चेयर, 100 मुखबिर बधिरों को श्रवण मशीन, 200 वृद्धों को चश्मे, 350 वृद्धों को कृत्रिम दांत, 100 दिव्यांगों को मोटरसाइकिल के साथ ही दृष्टि बाधित लोगों को छड़ी भी वितरण किया गया। वहीं इस दौरान मनोज सिन्हा ने थावरचंद गहलोत से CRC केंद्र खोलने की मांग की। जब से सरकार बनी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और थावरचंद जी ने जब से यह विभाग संभाला, मैं कह सकता हूँ एक विशिष्ट पहचान इस मंत्रालय ने पूरे देश में बनाई और अब तक मैं कह सकता हूँ कि शायद इस तरह के शिविर लगा करके देश के हर कोने में और उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं देखूँ तो कोई शायद आसपास का जनपद नहीं है जहाँ इस तरह के शिविर इस सरकार ने नहीं आयोजित किए। और वरिष्ठ मंत्री श्रीमान थावरचंद गहलोत जी स्वयं अनेक कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। मैं ये बात कह सकता हूं कि जहां प्रधानमंत्री जी ने आपको एक नई पहचान दी है, वहीं थावरचंद गहलोत जी ने विशेष रूप से प्रयास करके इस क्षेत्र में जो काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए मैं मानता हूं कि वो कम है। अभी हरीश जी ने बताया 100 लोगों को मोटराइज ट्राई साइकिल आज वितरित की जाएगी। और भी लोग हैं जिनको चाहिए, लेकिन एलिम्को ने कहा है कि अभी वो उपलब्ध आज नहीं करा सकते हैं, कुछ समय बाद शायद, जो मुझे बताया गया है कि 1 महीने या 2 महीने। जो शेष लोग हैं 85% से ऊपर विकलांग उनको 2014 तक 92 से मतलब 14-8-22 साल में 57 के, और हमने इन 4 सालों में 7,000 से ज्यादा कैंप आयोजित करके उपकरण बांटे हैं। ये जमीन आसमान का फर्क जो आजकल एक चर्चा चल रही है, 60 साल और 60 महीने, हमने 60 महीने के पूर्व ही कई गुना उपलब्धि हासिल करके दिखाई है। मैं अगर वर्णन करने जाऊं सब योजनाओं की जानकारी हम नहीं दे पाए। हम दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए पहले शैक्षणिक सशक्तिकरण की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं थी, स्कॉलरशिप वगैरह भी नहीं दी जाती थी। हमने 2014-15 से जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुझे ये दायित्व दिया, हमने 6 प्रकार की स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप, फेलोशिप योजना और विशेष। कार्यक्रम में मंत्री के हाथों ट्राई साइकिल और उपकरण पाने के बाद दिव्यांगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ठीक है, जाकर अपना दुकान खोलेंगे, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पैदल आते थे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज मोटरसाइकिल मिल गई है, बहुत आराम से जाएंगे, 10 रुपए हम कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे जिंदगी भर। मंत्री जी बता रहे थे कि पीछे जो बॉक्स लगाया उससे आप पेपर बेचने का, दूध बेचने का तमाम काम कर सकते हो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं सर, हम पान की दुकान की है। ठीक है, पांगी नाम की है, उनकी माता का नाम मंजू है। कितने तक पढ़े हैं और क्या करते हैं? पिताजी का नाम त्रिवेणी है। अगर यहाँ पे उनसे संबंधित जो लोग हैं वहाँ जाकर उस बच्ची को तत्काल ले लें।
थी हाथ वाला भोजन और पेयजल का जो आपको ट्राईसाइकिल वहाँ पे पुलिस कर्मी अपने साथ लेकर बच्ची को खड़े हैं। सब्जी हमारे मंच के जो भोजन और पेयजल का है वहाँ पे उस बच्ची को आराम से चले जाएंगे। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को? अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे ट्राईसाइकिल का, क्या उपयोग करेंगे? पहले आप कैसे चलती थी? अब जैसे बकाया चल अभी पर चले। कोई काम भी करती थी? हाँ सिलाई करते हैं। तो आने जाने में दिक्कत होती रही? हाँ। इसके मिल जाने से क्या और भी? नहीं अभी मिल गया था, आसान हो जाएगा जाने में। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।